इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में अजय देवगन और साजिद खान एक इंसिडेंट के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अजय अपने पिता वीरू देवगन से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं। जब लगभग 1000 लोगों की भीड़ अजय को पीटने वाली थी और कैसे उनके पिता वीरू देवगन ने मामले को वहीं खत्म कर बेटे को बचाया था। दरअसल काफी वक्त पहले एक टीवी शो में अजय देवगन ने इस इंसिडेंट के बारे में बताया था, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। अजय ने वीडियो में एक सवाल के पूछे जाने पर कहा था, बहुत लोगों को मारा है और बहुत लोगों से मार भी खाई है। फिर साजिद ने पूरी घटना को डिटेल में बताया और कहा, अजय के पास एक सफेद जीप थी जिसमें हम घूमते थे। एक दिन जब अजय और मैं हॉलिडे होटल के पास एक रास्ते से गुजर रहे थे, तब एक बच्चा पतंग के पीछे भागते भागते गाड़ी के सामने आ गया। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाया। जीप ने बच्चे को हिट नहीं किया था, लेकिन डर की वजह से बच्चा रोने लगा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर करीब 1000 लोग हमारी जीप के आसपास जमा हो गए। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अजय की इसमें कोई गलती नहीं है और बच्चा बिल्कुल ठीक है, मगर लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वहाँ सब हमें गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और हमें सुना भी रहे थे कि तुम बहुत अमीर लोग हो और गाड़ी तेज चलाते हो। उसके बाद कुछ समझ नहीं आया और लोगों ने हमें मारना शुरू कर दिया। साजिद ने आगे बताया कि जैसे ही ये खबर अजय के पिता के पास पहुंची, महज 10 मिनट के अंदर वीरू देवगन उस जगह पर 150 से 250 फाइटर्स लेकर पहुंच गए और उन दोनों को बचा लिया। अजय देवगन का अब ये वीडियो वीरू देवगन के निधन के बाद खूब वायरल हो रहा है। वैसे इस तरह के कई मौके आए हैं जब अजय ने अपने पिता के बारे में बातें की हैं। एक इंटरव्यू में अजय ने पिता वीरू देवगन को सच्चा सिंघम बताया था। अजय ने कहा था, मेरे जीवन में सिंघम केवल मेरे पिता ही हो सकते हैं। अजय ने पिता के स्ट्रगलिंग डेज का जिक्र करते हुए कहा था, उनके पिता चंद पैसों के साथ बॉम्बे में कुछ बनने का जज्बा लेकर आए थे। अपने स्ट्रगलिंग डेज में वो टैक्सियों की धुलाई कर उसी में सो जाते थे, और तो और कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने 8-8 दिनों तक खाना नहीं खाया। काम करने के जुनून ने उन्हें एक स्ट्रीट फाइटर बना दिया, और जब रवि खन्ना की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें फाइटर डायरेक्टर बनने के लिए पूछा था। अजय ने बताया कि वहीं से पिता वीरू देवगन की भारत के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर बनने की रिमार्केबल जर्नी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में 27 मई को अजय के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वीरू देवगन के अंतिम संस्कार के दौरान अजय देवगन ने जहां नम आंखों से उनको आखिरी नमन किया था, तो वहीं काजोल भी फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। वीरू देवगन के यूं अचानक चले जाने से पूरे देवगन फैमिली के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स और फैंस की भी आंखें नम हैं। और ऐसे में उनके जाने के बाद ये वीडियो देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वीरू देवगन अपने बेटे को कितना प्यार करते थे और वो किस तरह अजय के हर मुश्किल वक्त में उनका ढाल बनकर खड़े रहे। वाकई में अजय देवगन आज सुपरस्टार अजय देवगन नहीं होते अगर उनके पीछे उनके पिता वीरू देवगन का हाथ नहीं होता। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।